में लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है। पूरे देश में 21 दिन का लॉकडाउन चल रहा है। लोग अपने घरों में कैद हैं। ऐसे में बेसहारा और सड़क किनारे फुटपाथ पर रहने वालों की मुसीबतें काफी बढ़ गई है। कई जगहों पर तो ये ऐसे लाचार लोगों को खाना और पानी तक नसीब हो रहा है या नहीं, ये सोचने की बात है। इसी बीच समाचार एक्सप्रेस की टीम जिला बुलंदशहर में पहुंची है, जहां भारतीय किसान यूनियन के किसान नेता मांगेराम त्यागी बेसहारा गरीब मजदूर लोगों के लिए सहारा बने हुए हैं। मांगेराम त्यागी लॉकडाउन के चलते लगातार सुबह शाम गरीब मजदूर लोगों को भोजन वितरण कर रहे हैं। समाचार एक्सप्रेस न्यूज की टीम से किसान नेता मांगेराम त्यागी ने खास बातचीत की। देखिए आप भी बुलंदशहर से संवाददाता मुकेश कुमार की है विशेष रिपोर्ट। इस वक्त हम मौजूद हैं यूपी के जिला बुलंदशहर में, जहां आइसोलेशन वार्ड बना हुआ है जवाहर नवोदय विद्यालय में, जिसमें लगातार सुबह शाम का खाना वितरण हो रहा है। खाना वितरण कोई और नहीं, भारतीय किसान यूनियन के एनसीआर सचिव मांगेराम त्यागी कर रहे हैं। और हम जानेंगे, हमारे साथ जुड़ रहे हैं मांगेराम त्यागी, उनसे जानेंगे उनके विचार। और आप किस आह्वान पर आप खाना वितरण कर रहे हैं और कैसा महसूस कर रहे हैं खाना वितरण कर रहे हैं? आह्वान तो हमारे जो है, हमें ये प्रेरणा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत जी से और हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत जी से मिली है। और मेरा उद्देश्य ये है कि हम किसान मजदूरों का देश है हमारा। लॉकडाउन की स्थिति में मजदूर की हालत बहुत ख़राब हो गई है, उसे काम नहीं मिल रहा है और वो काम की वजह से ना मिलने से वो दिक्कत में आ गया। तो मेरा उद्देश्य ये है कि हर पेट के लिए भोजन पहुंच जाए, हम लोगों का उद्देश्य यही है। मेरे किसान यूनियन के काफ़ी जो मेरे, मैं कहूँगा कि कोरोना योद्धा जो हैं वो मेरे साथ हैं, और मेरा उद्देश्य यही है कि हर पेट के लिए भोजन पहुंच जाए। ये आज मैं जहाँ खड़ा हूँ, जिस स्थान पर खड़ा हूँ, ये आइसोलेशन वार्ड है जवाहर नवोदय विद्यालय का। इसमें लगभग 300 लोग हैं। आपने देखा होगा हमने सोशल डिस्टेंसिंग का को निभाते हुए इन लोगों को खाना वितरित किया है। और बस यही मेरा उद्देश्य है कि हर मजदूर, हर गरीब, हर ज़रूरतमंद के लिए खाना इन्हें मिलता रहे, बस यही मेरा उद्देश्य है। क्या जैसे आइसोलेशन वार्ड यहाँ बनाया हुआ है, क्या आपने उनको भी चेक करा है, जैसे डॉक्टर हैं क्या और डॉक्टरों की सुविधा भी यहाँ पर? हाँ, हमारे जो उपजिलाधिकारी हैं वो पूरी निगरानी इसके ऊपर रखे हुए हैं। तहसीलदार है वो निगरानी रखे हुए हैं, और हमारे यहाँ जो हमारे सीएसडी के प्रभारी हैं डॉक्टर भंडारी जी, वो पूर्ण रूप से निगरानी रखे हुए हैं। पुलिस के जो अफसर हैं वो बड़ी निगरानी रखे हुए हैं। हमारे यहाँ बहुत अच्छा है, चल रहा है, कोई किसी की दिक्कत हमारे साथ नज़र तो नहीं आई। हमारे साथ एनसीआर सचिव मांगेराम त्यागी जुड़े हुए थे, जिन्होंने पूरा अपना वो अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा कि वो अपना जो अपने कैमरे में जो दृश्य है कैमरे में कैद करें, जिससे ताकि किसान नेता मांगेराम त्यागी के नेतृत्व में जो भी यहाँ पर प्रोग्राम चल रहा है, जिसको गरीब पैसा है और गरीब लोगों को खाना वितरण कर हो रहा है। अपने सहयोगी चंद्रपाल के साथ मैं मुकेश कुमार, समाचार एक्सप्रेस न्यूज़ बुलंदशहर। इस वक्त हम मौजूद हैं यूपी के जिला बुलंदशहर में, और इस वक्त हम उस गाड़ी में बैठे हैं जहां किसान नेता एनसीआर महासचिव मांगेराम त्यागी जी के साथ हैं, और जो लॉकडाउन की स्थिति में पूरा देश है कोरोना वायरस को लेकर, जो लगातार आज 15वां दिन है, जो लगातार ऐसा है लोगों और मजदूरों को सुबह शाम का खाना उन्होंने एक प्रण लिया है और खाना वितरण कर रहे हैं पर डे। जैसे कि आप देख रहे होंगे, हम इस वक्त गाड़ी में चल रहे हैं और हम उनके गाड़ी आगे भी है एक गाड़ी, और एक गाड़ी पीछे भी है जिसमें राशन पानी उनका धरा हुआ है, और राशन वितरण करने के लिए वो क्षेत्र में जा रहे हैं, और रास्ते में भी उन्होंने राशन वितरण किया है। हम जानते हैं उनसे, हमारे साथ मांगेराम त्यागी जुड़ रहे हैं किसान नेता, उनसे जानेंगे क्या इस खाने वितरण को लेकर किस विचार से उन्होंने प्रण लिया है और क्या उद्देश्य है उनका इस खाने वितरण को लेकर। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा देश किसानों और मजदूरों का देश है, हमारे यहाँ किसान और मजदूरों की संख्या अत्यधिक है, और लॉकडाउन जब हुआ है तो उससे सारी समस्या किसान और मजदूरों के सामने आई है। किसान के सामने तो सिर्फ केवल काम करने की समस्या है, काम की समस्या आई है, लेकिन मजदूर के सामने खाने की भी समस्या उत्पन्न हो गई है। और हम इस वक्त
हैं, जा रहे हैं अपने क्षेत्र में, गरीब जो बस्तियां हैं हमारे नगर की या हमारे गांवों की, उनमें हम खाना वितरण करने के लिए जा रहे हैं, हमारे पास खाना तैयार है। उसी बीच में हमें जो आइसोलेशन वार्ड हमारे यहाँ बना है, जो सरकार ने आइसोलेशन वार्ड हमारे यहाँ बुकलाना के जवाहर नवोदय विद्यालय में बनाया है, जिसमें लगभग 300 महिला बच्चे और पुरुष हैं, उन लोगों को जो है जिन पे कुछ शक है किसी चीज़ का, जिन्हें आइसोलेशन वार्ड में भर्ती किया गया है, हम उन लोगों के लिए खाना इस वक्त लेके जा रहे हैं। और ये हमें प्रेरणा मिली है अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत जी से और राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत जी से, चौधरी युद्धवीर सिंह जी से, ठाकुर रवि ठाकुर जो है राजवीर सिंह जादौन जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, हमें इन लोगों से शिक्षा मिली है। सिसौली जो हमारे किसानों की राजधानी है, उसने हमें ये शिक्षा दी है कि भूखा एक भी व्यक्ति सोना नहीं चाहिए। मैंने ये प्रण लिया है कि जब तक भी लॉकडाउन रहेगा और मेरी बस्ती नगर या मेरे आसपास का जहाँ तक भी मुझे कोई सूचना मिल जाएगी, मैं भगवान भोलेनाथ की कृपा और बाबा टिकैत के आशीर्वाद से किसी को भी भूखा हम सोने नहीं देंगे। क्या जैसे कि आप लगातार प्रतिदिन ऐसा है व्यक्तियों और मजदूरों को खाना वितरण कर रहे हैं, क्या आपको किस मन में एक क्या उत्प्रेरणा प्रतीत होती है जिसको लेकर आप रोजाना एक नई शुरुआत करते हैं और नई उत्सुकता के साथ आपके साथ और भी लोग आपके यूनियन के कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं, क्या क्या प्रेरणा देना चाहेंगे और आपका क्या उद्देश्य है? उद्देश्य कुछ नहीं है, उद्देश्य ये है कि बस जरूरतमंद लोगों के पास खाना पहुंच जाना चाहिए। हमारा किसानों का देश है और भारतीय किसान यूनियन एक बड़ा प्रतिनिधित्व किसानों का करती है, तो मेरा बस यही मन है कि किसानों के इस देश में कोई भूखा न सोए, बस यही मेरा प्राण है। तो ये थे हमारे साथ एनसीआर महासचिव मांगेराम त्यागी, जिन्होंने लॉकडाउन की स्थिति को देखते हुए खाने वितरण का एक प्रण लिया है और लगातार जगह जगह ऐसा है और मजदूरों को, गरीब लोगों को खाना पहुंचा रहे हैं। कैमरामैन चंद्रपाल के साथ मुकेश कुमार, समाचार एक्सप्रेस न्यूज बुलंदशहर। कोरोना लॉकडाउन के चलते गरीब बेसहारा मजदूर वर्ग जो अपने प्रतिदिन की कमाई से अपने घर की रोजी रोटी चला पाते हैं, उनके सामने कोरोना वायरस बीमारी के प्रकोप से पारिवारिक संकट खड़ा हो गया है। ऐसे में बुलंदशहर में किसान नेता मांगेराम त्यागी ने गरीब मजदूरों के लिए मसीहा बनकर सामने आए हैं। जहां एक ओर शासन प्रशासन भी इन लोगों के लिए प्रयास कर रहा है, वहां पर नगर के समाज सेवी भी इन लोगों की आवश्यकता अनुसार भरण पोषण की व्यवस्था कर दिल से सामाजिक दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। साथ ही समाज के सक्षम वर्ग को भी जागरूक कर रहे हैं कि अपने आसपास कोई भी व्यक्ति भूखा ना रह सके। इसी कार्य को गति देने में नगर के कई समाज सेवी जुड़े हुए हैं, जिसमें कि हमारे किसान नेता मांगेराम त्यागी भी एक मसीहा बनकर गरीबों के लिए सामने आए हैं। लॉकडाउन का आदेश होते ही आसपास के रहने वाले जरूरतमंद बेसहारा लोगों को आवश्यकता अनुसार सब्जी से लेकर भोजन सामग्री भी गरीबों को अपने अन्य साथियों के सहयोग से उपलब्ध करवाई जा रही है। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.